मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अभी तक हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में देखा और जाना। जैसा कि बताते चलें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि ऐसे मेजर्स जो सेंट्रल वैल्यू का मतलब एक कॉमन आम भाषा में एवरेज, औसत कैसे निकाला जाए, एक्यूरेट कैसे निकाला जाए, इसके लिए मेजर्स बनाए गए। 5 मेजर्स के बारे में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। आज सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर्स मीडियंस के बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ बातों को, कुछ स्टेटमेंट्स को हमने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप उनको ध्यान से देख सकते हैं कि मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब है कि डेटा जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कोई भी स्टैटिस्टिकल सीरीज़ है उसके जो डेटा है उसकी मिडिल वैल्यू, मिड में जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को ही मीडियन बोलेंगे। आगे का स्टेटमेंट और लिखा है, मीडियन इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच डिवाइड्स इट इंटू टू इक्वल पार्ट्स। मिडिल मतलब दो भागों में डिवाइड कर दे। अब डेटा को दो भागों में कैसे डिवाइड करेगा, कोई स्केल है, कोई पटरी है, कोई रॉड है, उसको दो बराबर भागों में या लाइन को दो बराबर भागों में बांटना समझ में आता है। डेटा को दो बराबर भागों में कैसे बांटा जाएगा इसको हम लोग आगे देखेंगे, डीप में देखेंगे, इसका एक मतलब है। यहाँ पे एक बात लिखी गई है, मीडियन इज़ द पोजिशनल एवरेज। तो ये ध्यान रखें कि पूछा जाता है कि एवरेज में पोजिशनल एवरेज कौन है, तो मीडियन एक ऐसी एवरेज वैल्यू है जो पोजिशन की वजह से डिफाइन होती है, पोजिशनल एवरेज है। और आगे कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का मीडियन कैसे निकालेंगे और ग्रुप ऑब्जर्वेशन का मीडियन कैसे निकालेंगे, किस तरीके से टेक्निक या ट्रिक लगाते हैं उनको हम आगे देखेंगे। अब आई बात मिड की, तो मिड की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स हैं, तो अगर बोला जाए कि मिड में कौन सी है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं कि ये वाली फिंगर्स क्या है जो मूव कर रही है वो मिड में है, क्योंकि 2 फिंगर्स इधर हैं और 2 फिंगर्स इधर हैं, तो ये बीच में है। तो यानी आप अगर ये इतनी फिंगर्स ली जाएँ, हाउ मैनी फिंगर्स, दीज आर 10 फिंगर्स, इनिशियली कितनी थी 5, तो 5 में मिड्स में ये थर्ड वाली थी। अब 10 फिंगर्स में अगर आप मिड में देखेंगे तो 2 ये थंब, ये मिड में है, गॉट इट। तो अब देखा जाए तो एक वैल्यू भी थी और 2 वैल्यू भी थी। तो जब भी आप ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे, जैसे यहाँ फिंगर्स 5 नहीं थी तो ये यूनिक वैल्यू होगी, मतलब एक सिंगल वैल्यू मिड में होगी। और जब आप इवन ऑब्जर्वेशंस लेंगे, जैसे यहाँ पे 10 लिए गए तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 2, ठीक है। तो मिड में अगर ऑब्जर्वेशंस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हुए या इवन हुए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो कैसे मीडियन को आइडेंटिफाई करेंगे, तो 2 टाइप के फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे। ऑब्जर्वेशन की काउंटिंग करनी पड़ेगी, पहले ये निकालना पड़ेगा कि क्या ऑड है या क्या इवन है। ऑड के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला होगा और इवन के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, ठीक। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग 9 स्टूडेंट्स मार्क्स। 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए गए, किसी क्लास के कक्षा के विद्यार्थी रहे, उनके मार्क्स दिए गए, तो हमें मीडियन निकालना है। तो बताया गया था कि मीडियन एक मिड वैल्यू है, पोजिशनल एवरेज है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर ऑड ऑब्जर्वेशन हो, जैसे कि 5 लिए गए, यहाँ पे स्टार्स 5 स्टार्स दिखाए गए, तो थर्ड में जो स्टार है उसी को मिड में लाया गया है। तो थर्ड कैसे आया, 5 + 1/2, यानी कि थर्ड। तो अगर n ऑड है, n कैसा माना गया, ऑड, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, 2 से विभाजित होने वाले, डिविजिबल होने वाले नंबर्स इवन होंगे और जो नहीं होंगे वो क्या होंगे, ऑड। तो हमने ऐसे नंबर्स लिए हैं जो 2 से विभाजित नहीं है, डिविजिबल नहीं है, उनके लिए फार्मूला क्या आया, n + 1/2। 9 अगर नंबर्स हैं, 9 चीज़ें ली गई उनके मिड में, तो 9 + 1/2, यानी 5th ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 5th प्लेस पे जो भी होगा वो मिड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इवन लिए गए, तो यहाँ पर हमने 6 स्टार्स दिखाए गए, तो 6 में देखें तो मिड में 2 स्टार्स मिड में आए, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड पे कैसे आएगा, आप 6/2 कर दीजिए और 6/2 + 1 कर दीजिए। तो यानी कि अगर इवन होगा तो n/12 एंड, आपके सामने यहाँ लिख रहे हैं, n/2 + 1, n/2 + 1 एथ, इस पोजीशन के जो भी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, मिड में होंगी। इन दोनों वैल्यूज़ को कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कितने हैं, 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, 9 मतलब ऑड है, तो यहाँ पर 9 ऑड हैं, तो 9 + 1/2, ठीक है। एथ मतलब पोजीशन अभी देखनी है, तो हमें कौन सा आया, 5th, कौन सी पोजीशन पे, 5th। 1 2 3 4 5, पांचवी पोजीशन पे कौन सी वैल्यूज है, 5th पोजीशन पे जो ऑब्जर्वेशन है 24, तो मीडियन क्या आया, 24, ठीक है, ओके, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ तो देखिए मिड में आने का मिड में बात तभी चलेगी जब क्या हो, जब ऑर्डरिंग हो, क्या हो ordering. तो जब भी हम ये फार्मूला लगाते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला याद कर लेते हैं कि ऑड के लिए एन प्लस वन बाई टू करेंगे और इवन के लिए कर देंगे। मगर सबसे पहले एक स्टेप आता है, वो स्टेप ध्यान रखना कि अरेंज द डेटा। क्या क्या स्टेप आएगा? तो हम सारे स्टेप बाई स्टेप आपको इंडिविजुअल के लिए स्टेप बाई स्टेप लिख देते हैं, आप उसको ध्यान रखें। सबसे पहले आपको डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये अभी गलती कर जाएंगे। ठीक है, अभी आपके सामने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, क्वेश्चन गलत हो गया, जबकि हमने क्या किया था, काउंट के ऑब्जर्वेशंस को फॉर्मूला सही लगाया था। तो हम उस गलती ना हो इसके लिए प्रोसेस वाइज स्टेप वाइज एज ए एल्गो फॉर्म में हम दे रहे हैं कि पहला स्टेप आप जब भी कुछ जब भी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और ग्रुप ऑब्जर्वेशन, इनके बारे में हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं और ग्रुप डेटा क्या होता है। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ इंडिविजुअल दिए गए हैं तब ये एल्गो लगाएंगे। आप अरेंज द ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, जैसे जैसे आप अरेंज करेंगे तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो या तो आप बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में आप पहले डेटा को सजा दीजिए, अरेंज कर दीजिए, उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन को काउंट करिए। ऑब्जर्वेशन अगर ऑड होते हैं तो ये वाला फार्मूला जो आपके सामने है बताया जा चुका है, आप लगा लीजिए। इवन अगर आता है तो एवरेज लेना है, एन बाई टू एथ पोजिशन पर जो पड़ा होगा और एन बाई टू प्लस वन एथ पोजिशन पर जो पड़ा होगा, उन ऑब्जर्वेशन को उठाएंगे, उनकी वैल्यूज को जोड़ेंगे और दो से डिवाइड करेंगे। अभी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अभी देख लेंगे आगे, या फिर इसको बोल सकते हैं ए एम ऑफ दिस एंड दिस। ए एम मतलब दो वैल्यूज का ए एम निकालना है, ए और बी का ए एम निकालना, तो दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड। तो यहाँ एक्चुअली इन दोनों वैल्यूज का भी एवरेज ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो गड़बड़ हुई थी उस गड़बड़ को सही करते हैं। अब जो ऑब्जर्वेशन हमें दिए गए हैं, सबसे पहले हमने काउंट कर चुके हैं ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 9 है, और हमें पता है कि ऑब्जर्वेशन 9 है तो n प्लस वन बाई टू, 9 प्लस वन बाई टू दैट इज वॉट 5 पोजिशन तक जाना है। तो सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन क्या है, 21, उसके बाद 24, फिर उसके बाद आए 27, उसके बाद आए 30, उसके बाद आए उसके बाद हमें अब कुछ नहीं करना क्योंकि पांचवा चाहिए था, फिफ्थ, यही मीडियन हो गया। कहाँ आगे जाएं, मक्का लोग आगे नहीं जाते हैं, मीडियन 22। ठीक है, इतना मत सजाइए स्टेप, इसको थोड़ा सा अभी मॉडिफाइड करना था कि हमें पहले काउंट कर लेंगे और अरेंज कितना करेंगे जितनी में ज़रूरत है, पांचवा ऑब्जर्वेशन देख लेंगे। ठीक है, अब सौ हो तो अरेंज करते रहोगे यार, बात समझे कि नहीं, आगे बढ़ जाएं। एक ऐसा क्वेश्चन भी कंसीडर कर लेते हैं जो इवन ऑब्जर्वेशंस कैसे दिए गए हों, इवन, जिससे कि वो वाला फार्मूला भी जस्टिफाई हो जाए और उसमें कंफर्टेबल आप हो जाएं। यहाँ पर क्वेश्चंस आप इत्मीनान से पढ़ लीजिए, वेजेस का मतलब है जो वर्कर्स हैं उनकी जो सैलरी है, उनका काम करने का जो भुगतान है। ठीक है, आप जिसको रोजमदारी या जो भी जैसे बोलते हो आप उस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। तो उनका रुपीज़ में दिया गया 20-25, ये 10 वर्कर्स हैं तो 10 वर्कर्स की मजदूरी यहाँ पे दी गई है, मीडियन ऑफ वेजेस निकालनी है। तो सबसे पहले हमने बोला कि आप पहले ऑब्जर्वेशन को काउंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने काउंट किया कि इवन है तो इवन के लिए एक नया फार्मूला दूसरा था वो वाला लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर फार्मूला लगाने से पहले अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है तो डेटा को आप अरेंज करना, क्या करना है, अरेंज करना है। तो आप चाहें डेटा को अरेंज कर लीजिए, फार्मूला लगा लीजिए। फार्मूले से क्या फ़ायदा होगा कि हमें सब कुछ नहीं करना होगा। काउंट किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए गए थे 10 है, काउंट करने की जरूरत नहीं है। आपको n बाई टू एथ वाला चाहिए, n बाई टू एथ मतलब 10 बाई टू एथ दैट इज फिफ्थ ऑब्जर्वेशन चाहिए, और फिफ्थ के आगे क्या होता है, 6 होता है। चाहे आप ऐसे लगाएं फार्मूले वाइज या थोड़ा सा दिमाग लगा लें। ठीक है, तो आएगा भाई, कहने का मतलब एक आगे जाएगा तो 6। तो हम लोग ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करते हैं, पांचवें और छठे पे हमारी नज़र है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कौन है, 8 आ गया, फिर दूसरा कौन सा है, 9 आ गया, फिर उसके बाद 11 आ गया, फिर 14 आ गया, फिर है हाँ 15 आ गया। वैसे ही हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, पांचवा ऑब्जर्वेशन से हमें काम था, ये 15 हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। इसके आगे बस 17, आगे मुझे नहीं जाना है। ठीक है, क्या करना है मुझे, तो ये हमारा पांचवा छठा ऑब्जर्वेशन आ गया, मीडियन निकालना है, इन दोनों को कहते हैं कि ऐड कर दो, क्या कर दो, यही तो बोला गया है।
भाई उसने बोला कि n बाई टू एथ और प्लस n बाई टू प्लस वन एथ, दोनों को जोड़कर आधा करिए, एवरेज ले लीजिए मिड, तो 15 और 17 बाई टू कितना आ जाएगा 16. हाँ ये आंसर आ गया 16 है मीडियन, ठीक है मिड वैल्यू है 16. ओके तो ये इवन और ऑड दोनों के लिए एक एक क्वेश्चन करा दिया है, कॉन्सेप्ट करा, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं आप कंफर्टेबली कर पाएंगे. तो कुछ क्वेश्चंस आपको हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको नोट कर लें और ज़रूर आप इनको ट्राई करें, प्रयास करें. बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बहुत छोटे टॉपिक्स हैं. अगर क्वेश्चन आ गया तो एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस इक्वलेंट इक्वल वेटेज पे होते हैं. तो हम इन पांचों क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मान के हमने दिए हैं, अब इनको सॉल्व करें, इनके आंसर्स हमारे तक पहुंचा सकते हैं आप. तो अभी हमने देखा था कि मीडियन कैलकुलेट करना सीखा, बट हमने बोला कि डेटा कैसा दिया गया ये डिपेंड करता है. तो जो अभी का फॉर्मूले देखे वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस दिए गए हों, बार बार इस बात को रिमाइंड करा रहे हैं कि आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, ग्रुप ऑब्जर्वेशंस, इनके बारे में अगर देखना चाहते हैं तो आप पहले वाले वीडियो में जाके देखें. इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस दिए गए हों तो पहला वाला फार्मूला, पहले वाले स्टेप्स आपको तय करेंगे आंसर्स. अब यहाँ पर जो कंसीडर किया गया है, तो देखिए यहाँ पर सारे ऑब्जर्वेशंस के साथ एसोसिएट किया गया फ्रिक्वेंसी, मतलब वो फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि वो इतने बार आते हैं. तो ये ऑब्जर्वेशन एक बार ना होकर कितने बार आया है, 8 टाइम्स. यहाँ पर उसका सिग्निफिकेंट है, 8 बार आया है. और टू ऑब्जर्वेशन मैग्नीट्यूड जिसका 2 है वो कितने बार यहाँ पे कंसीडर किया गया है, 10 बार. तो ये ग्रुप में आए हैं, इंडिविजुअल नहीं है, कैसे आए, ग्रुप में आए, इकट्ठे एक एक साथ काफ़ी बार आए हैं. तो ऐसे ऑब्जर्वेशन जब डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्जर्वेशन में फ्रिक्वेंसी दी गई हो और डेटा डिस्क्रीट हो, ठीक है, डेटा डिस्क्रीट है मतलब 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, क्लास इंटरवल में. अभी हम लोग देखें क्लास इंटरवल जो कॉन्टीन्यूअस होता है, क्लास इंटरवल लगातार, तो ऐसे डेटा को बोलते हैं कॉन्टीन्यूअस. यहाँ पर डेटा क्या है, 1 के बाद 2 है, ऑब्जर्वेशन 3 है, तो ये क्या है, डिस्क्रीट. तो हम लोग CF बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फ्रिक्वेंसी हिंदी में बोलते हैं बारंबारता, जितने बार आ रहा है कोई चीज़ कितने बार रिपीट हो रही है. और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी संचयी बारंबारता, कलेक्शन. कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं देखते हैं, ऐसे यहाँ एरो बनाया मतलब ये 8, तो एक अभी तक जो टेबल में टर्म है उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 8 है, यानी एक टर्म 8 बार रिपीट हुआ. फिर हम लोग ऐसे गए इधर, तो मतलब डिजाइन नहीं बना रहे हैं, इसको ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब है कि इससे इसको ऐड कर दिया, तो कितना हुआ 18, यानी दो आइटम, दो ऑब्जर्वेशंस हमारे 18, संचयी कलेक्शन कितना हो चुका है 18, यहाँ तक फ्रिक्वेंसी कितनी हो चुकी 18, फिर यहाँ से यहाँ तक गए कितना आ जाएगा, है बोलते रहो यार गणित मतलब सब कुछ हमसे करा दोगे, ये कितना आ गया है, हाँ फिर वेरी गुड, फिर 90, फिर 105, यानी अभी तक जो फ्रिक्वेंसी का कलेक्शन हुआ कितना है, हाँ इतने बार चीज़ें रिपीट हो चुकी हैं, अब 11, फिर 120. अगर आप इनको ऐड करेंगे तो अब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो 120 आ चुका है, ये लास्ट जो स्टेप आया वही क्या है, एडिशन, अलग से ऐड करने, इसको कैपिटल N मान लेंगे, क्या मान लेंगे, फ्रिक्वेंसी का टोटल जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की लास्ट एंट्री है उसके बराबर होगा, उसी को कैपिटल N माना गया. डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया तो आप N बाई 2 चेक करेंगे, मतलब 120 बाई 2 दैट इज 60, ठीक है. आप देखिए यहाँ पर जब 60 आ गया तो क्या करेंगे, जस्ट ग्रेटर देन 60 इन CF's टेबल, वो एंट्री देखिए जो इससे जस्ट क्या है, ग्रेटर हो. तो यहाँ पर जस्ट ग्रेटर कौन सी है, 60 से ज़्यादा जस्ट मतलब तुरंत उसके बाद, तो कौन सी, ये हमारा जो क्लास बनी उस क्लास का नाम दिया गया मीडियन क्लास.
ओके, एन बाई टू ने क्या डिसाइड किया, एक मीडियन क्लास। अब एन बाई टू निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के टेबल में जाएंगे, उससे जस्ट ग्रेटर देखेंगे, जो भी एंट्री उससे जस्ट बड़ी होगी, उस वाली बड़ी एंट्री को जो उससे, मतलब तो सारी बड़ी हैं, ये सब ग्रेटर हैं, मगर उसमें से जस्ट ग्रेटर कौन सी है, 65, उसी को मीडियन क्लास बोला गया। और जो एक्स की वैल्यू होगी वही क्या हो गई, मीडियन वैल्यू, मतलब मीडियन। तो मीडियन आप क्लास इंटरवल कितना है, 5 ही क्या है मीडियन, आंसर क्या है 5। तो जैसा कि मीडियन अभी कैलकुलेट कर रहे थे, दो टाइप के ऑब्जर्वेशंस को ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। अब जो ऑब्जर्वेशंस लिए हैं वो कॉन्टीन्यूअस डेटा है, क्लास इंटरवल में दिया गया है। कॉन्टीन्यू का मतलब है कि क्लास इंटरवल में दिया गया है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, कहीं पर भी गैप नहीं है। और क्लास फाइव से लेके कहाँ 45 तक गया है, क्लास में मतलब पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया गया उसके इनिशियली, मतलब ये वाली टेबल और ये वाली टेबल आपको दी रही होगी, बाकी चीज़ें जो इसलिए बताई गई हैं यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं जिससे कि हमारा टाइम बचे और उन बातों पर फोकस कर पाए जहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हैं। बात को समझे कि हमें दिया क्या गया, मीडियन निकालना है, मीडियन में दो ही टेबल दी गई हैं आपको, क्लास इंटरवल दिया गया है और फ्रिक्वेंसी दी गई है। जब भी क्लास इंटरवल या क्लास दी जाए, कॉन्टीन्यूअस या पहले हमने डिस्क्रीट लिया है, फ्रिक्वेंसी जब भी दी जाएगी तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सीन में आ जाएगी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको बनानी पड़ेगी। हमने क्या किया, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को बनाया 5, फिर जैसे बनाया था बता दिया। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की टेबल को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। टोटल हमारा 49 आ गया। एक बार हम फार्मूले पर नज़र डाल देंगे, फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर जो भी हमने नोटेशन लिए स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ पर एल की जगह टी बी आ सकता है, यहाँ स्मॉल एफ आ सकता है, एफ वन आ सकता है, एफ टू आ सकता है, इससे मतलब नहीं है। जो फार्मूला आया उसका हमने जो नोटेट कर रहा है उसको हमने बताया है। तो कभी कभी क्या होता है, फार्मूला लिखने को आ जाता है, जैसे उसने बोला एग्जाम्पल के तौर में, हमने बोला कि जब तक आप ध्यान नहीं देते तब तक कि आपको ये ना रिलाइज हो जाए कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। एक कोई फार्मूला उन्होंने बोला कि मीडियन जो है वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, एफ वन प्लस एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे बोला गया टी बाई टू माइनस एफ टू अपॉन एफ थ्री इंटू एल। अब वो बोलेंगे कि भाई ये एफ वन क्या डिनोट कर रहा है, समझे कि नहीं। तो एफ वन आप एफ मतलब फ्रिक्वेंसी समझेंगे, जबकि एफ वन यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। वो बोलेंगे कि दिस, ये फार्मूला मीडियन को कैलकुलेट करता है कॉन्टीन्यूअस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो एफ वन या एफ थ्री या एफ या टी क्या यहाँ पे डिनोट करेगा, ऑप्शन में ये लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर फार्मूले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि हम किस चीज़ को कहाँ पर किस के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, अभी एक्सप्लेन करेंगे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास का क्या मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इसका क्या मतलब है, साइज ऑफ मीडियन क्लास H है, कैपिटल F कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, अभी ये भी देखेंगे। ये सारी बातें इस क्वेश्चन से सारी बातें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। देखिए हमने क्या किया, टोटल एन निकाला, जैसा कि पहले बताया गया था एन बाई टू कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही आपने एन बाई टू कैलकुलेट किया 24.5 आया, आप उससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू देखिए वहाँ पर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में, तो 24.5 से जस्ट ग्रेटर कौन सी आई, हाँ तो जो 26 आई उसी क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। इसको क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास मिल गई। अब हम सारी बातों को वहाँ पे कंक्लूड करेंगे। हाँ तो अब देखें, जैसे L वहाँ पे लिया गया है, L देखेंगे तो मीडियन क्लास में जाएंगे और क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है, ये लोअर है ये अपर है, मतलब यहाँ से शुरुआत हुई क्लास और यहाँ तक गई, तो ये यहाँ से शुरुआत मतलब लोअर और ये क्या है अपर, तो लोअर वैल्यू क्या है 15। उसने बोला स्मॉल एफ देखो फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो अब क्लास में जाएंगे और क्लास में ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है और ये क्या है फ्रिक्वेंसी है, तो हमें क्या लेना है फ्रिक्वेंसी, दैट इज़ 15। फिर जाएंगे साइज, क्लास का साइज क्या है, 15 से लेके 20 में क्या साइज हुआ, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो 20 से 15 घटा दें, 15 से 10 घटा दें, 10 से 5 घटा दें, कितना अंतर आया 5 का, यही साइज हो गया। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्लास मीडियन क्लास, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, फॉलोइंग मतलब बाद में।
प्री लगा है तो उसके पहले, तो इससे देखो ये भी हो सकता है पहले आने वाली क्लास, तो पहले आने वाली क्लास को भी तो बोल सकता था, पहले आने वाली क्लास दो है, प्रीसीडिंग मतलब जस्ट पहले, प्रीसीडिंग का मतलब क्या है पहले और जस्ट पहले, तो प्रीसीडिंग लगाएगा इसका मतलब इन दो पहलों में से कौन सी पहले, ये वाली, तो उसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 11, उसने बोला कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी कैपिटल एफ प्रीसीडिंग क्लास मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग पहले आने वाली, ओके। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, आंसर निकाल लेना है, ये पार्ट कैलकुलेशन पार्ट है, आप उसको देख सकते हैं, आंसर टैली कर लें 19.5 आंसर, इसलिए बताया गया कि इसको एक बेसिस आधार मानकर इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल हर एक स्टेप को समझ लीजिए, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएँ। तो हमने तीनों टाइप के क्वेश्चंस को बताए हैं, मॉडिफिकेशन और भी हैं, फार्मूले कैसे आते हैं इसको अभी डीप में चर्चा नहीं की, सारे फार्मूले जो अप्लाई किए उनका भी एक लॉजिक है, बट अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर चर्चा करेंगे, बट वो फिर वो टॉपिक बहुत लेंदी हो जाएगा। मीडियन कॉम्पिटिटिव लेवल पे मुझे देखा जाए तो इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशेंट थी, यहीं तक रखेंगे, फिर आगे नेक्स्ट मॉडल्स मॉड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप मीडियन को एक बार इत्मीनान से पूरा देख लीजिए। हमने बोला बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अगर एक टॉपिक कभी आ जाता है उसके क्वेश्चन आप कर पाते हैं तो यह आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट दे जाता है, आप बैलेंस कर पाते हैं, तो ऐसे टॉपिक को कभी नेगलेक्ट ना करें, इग्नोर ना करें, ये ना देखें कि कितने आते हैं, भाई एक दिन के चैप्टर में अगर एक क्वेश्चन आप लगा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।